नमस्कार दर्पण में आप सभी का स्वागत है आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान बच्चों के कानूनी अधिकारों व जिम्मेदारियों पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन और महिला हेल्पलाइन योजना पर कार्यक्रम आयोजित अब द्वीप दर्पण विस्तार से फरारगंज के सामुदायिक खंड ने स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 31 अगस्त को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई इस पहल का नेतृत्व फरारगंज के खंड विकास अधिकारी के स्वतंत्र प्रभार पर रहे प्रोबेशनर धबोलकर वसंत प्रसाद और फरारगंज की खंड विकास अधिकारी ललिता टिग्गा ने किया जिसमें विस्तार अधिकारियों ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं ग्राम सेविकाओं पंचायतों के प्रधानों पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों सफाई कर्मचारियों स्थानीय निवासियों और स्वयं सेवकों ने मिलकर स्वच्छ और स्वास्थ्य गांवों की दिशा में सामूहिक प्रयास किया प्लास्टिक कचरे के निपटान स्वच्छता में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे को कम करने पर विशेष जोर दिया गया यह स्वच्छता अभियान स्वच्छ सुविधाओं के उत्थान और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए खंड विकास कार्यालय द्वारा किए गए व्यापक प्रयास का हिस्सा है सातवें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन कार्यक्रम 31 अगस्त को आयोजित किया गया एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण अभियान के तहत स्कूल लाइन एक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में वृक्षारोपण किया गया इस अवसर पर सचिव एल कुमार निदेशक डॉ नितिन शाक्या पोषण दो दशमलव शून्य के नोडल अधिकारी पीसी जेम्स शहरी परियोजना की सीडीपीओ जरीना बीबी मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी आईसीडीएस शहरी परियोजना के तहत एक सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का एक महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस महीने के फोकस क्षेत्र में अनिमिया विकास निगरानी और पूरक आहार पोषण भी पढ़ाई भी बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ने डेयरी फार्म के सेवा निकेतन बाल देखभाल संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया यह पहल बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है समाज कल्याण निदेशक डॉ नितिन शाक्या ने बाल देखभाल संस्थान में बच्चों को उनके अधिकारों जिम्मेदारियों और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम का नेतृत्व किया उनके पहल का उद्देश्य कानूनी शिक्षा और व्यवहारिक स्वच्छताओं प्रथाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करके बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करना था कार्यक्रम प्रबंधक रहनित बेगम ने सत्र का नेतृत्व किया जिसमें बच्चों को पोक्सो अधिनियम के प्रमुख पहलुओं को समझाने के लिए इंटरैक्टिव गतिविधियों में शामिल किया गया सत्र के दौरान कानूनी जागरूकता पर प्रकाश डाला गया और बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर के साथ हुआ सेवानिकेतन के, के कार्यालय अधीक्षक विश्वजीत ने राज्य बाल संरक्षण सोसायटी का आभार व्यक्त किया और चल रहे शैक्षिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया हैडो की वार्ड संख्या दो स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में 31 अगस्त को समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा महिला हेल्पलाइन योजना एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष एवं इसके उद्देश्यों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया समाज कल्याण निदेशक डॉ नितिन शाकिया ने भविष्य की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया जहां महिलाओं पर और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि प्राथमिकता हो। एकीकृत एक सुरक्षा योजना में एक ऐसी प्रणाली शामिल होगी जिसमें महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष द्वारा संयुक्त रूप से सभी महिला सुरक्षा पहलों को अपनाया जाएगा महिला हेल्पलाइन प्रशासक सुषमा पांडे ने वीआईपी रोड स्थित समाज कल्याण बोर्ड में स्थापित महिला एवं बाल विकास 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी दी जिसमें महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर एक आठ एक और बच्चों के लिए एक शून्य नौ आठ है मिशन शक्ति योजना के तहत महिला हेल्पलाइन एक आठ एक का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को टोल फ्री की तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना है कॉल ऑपरेटर जेनिस कुजूर ने डब्ल्यूसीडी कंट्रोल रूम में अब तक प्राप्त समाधानों के साथ विभिन्न प्रकार के मामलों के बारे में जानकारी दी कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका स्तनपान कराने वाली माताएं आशाकर्ताएं और वार्ड संख्या दो की आम जनता शामिल हुई इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पो ब्लेयर ने स्वच्छता पखवाड़े के अवसर पर अंडमान और निकोबार के निवासियों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता की घोषणा की है इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को आकर्षक पोस्टर बनाने और रचनात्मक स्लोगन लिखने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो स्वच्छता और सफाई के महत्व को उजागर करते हो इस प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रतिभागी अपने कलात्मक कौशल का उपयोग जागरूकता फैलाने और दूसरों को स्वच्छता और स्वस्थ भारत में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए कर सकते हैं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का विषय है स्वच्छ भारत मिशन द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद चलिए हमारे साथ वनों के खजानों को ढूंढने उनसे मिलती अमूल्य सेवाओं को समझने हवा जल औषधि आहार और पोषण प्रदान करते ये वन जानिए कैसे वनों की पारिस्थितिक सेवाओं का महत्व समझकर हम सभी के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात साढे दस बजे डीडी नेशनल पर और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर एयरटेल पर 148 नंबर सन पर 302 नंबर हैथवे पर 40 डी पर 175 एक सौ पचहत्तर डेन पर 138 डिश पर एक में और फ्री डिश पर दो पर दो नंबर चैनल देख सकते हैं। में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान एंड कॉल रेड रिबन क्लब ने अंडमान एड्स नियंत्रण सोसायटी के सहयोग से एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने और इस बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रेड रन नामक कॉलेज स्तर की पांच किलोमीटर मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया यह कार्यक्रम एनकॉल परिसर में हुआ और कार्बाइन स्कोव तट पर समाप्त हुआ एनकॉल के प्रचारिया डॉ बी एस वी मीरा शेट्टी ने 31 अगस्त को मैराथन को हरी झंडी दिखाई छात्रों ने दौड़ में भाग लिया जबकि स्टाफ के सदस्यों ने फिटनेस के लिए दौड़ लगाई पुरुष वर्ग में एन कार्तिक राजा और एम मनोज कुमार पहले और दूसरे स्थान पर रहे वहीं महिला वर्ग में युक्ति और रिया खजूर ने पहला और दूसरा स्थान हासिल करते हुए शीर्ष सम्मान प्राप्त किया शुरुआत से पहले नोडल अधिकारी रेड रिबन क्लब डॉक्टर जोचीबेड विंसेंट ने एक संक्षिप्त संबोधन दिया जिसमें इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया जिसका उद्देश्य एड्स के बारे में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना कलंक को कम करना और बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए एक सहायक समुदाय को बढ़ावा देना था स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में दक्षिण अंडमान तथा एक उत्तर व मध्य अंडमान के लिए अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर के तीन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं इस पद के लिए उम्मीदवारों को प्रति माह तिरालीस हजार आठ सौ रूपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि छब्बीस सितंबर शाम पाँच बजे तक है योग्य उम्मीदवारों की सूची स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की वेबसाइट पर सात अक्टूबर तक प्रकाशित की जाएगी चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार 17 अक्टूबर को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक होगा अधिक जानकारी के लिए प्रशासन की वेबसाइट व स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की वेबसाइट देखी जा सकती है शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान जवाहर नवदेव विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 18 जनवरी 2025 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी ऑनलाइन प्रस्पेक्ट व आवेदन फॉर्म नवदेव विद्यालय समिति की वेबसाइट से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मुख्य भूमि में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मलयाली मूल के विद्यार्थियों के लिए मुख्य भूमि के संस्थानों में आरक्षित बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस तथा सीटों के आवंटन के लिए आवेदन किए सभी संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इन सीटों के लिए प्रशासन द्वारा सत्रह अगस्त को डेली टेलीग्राम के जरिए दावे व आपत्तियां मांगे गए थे लेकिन 20 अगस्त तक कोई भी दावे व आपत्तियां प्राप्त नहीं होने के कारण अनंतिम वरीयता सूची को अब अंतिम वरीयता सूची के रूप में माना गया है इन पाठ्यक्रमों के नामांकन के लिए चयनित योग्य उम्मीदवारों का परामर्श 12 सितंबर को सुबह 10 बजे टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में होगा सभी उम्मीदवारों के नाम अनंतिम वरीयता सूची में शामिल हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों के साथ चार पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स दो स्थायित्व प्रमाण पत्र तथा उनके वर्ग को सहयोग देने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ परामर्श के समय उपस्थित रहे अंडमान तथा निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन आगामी 19वीं सीनियर महिला राष्ट्र फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए 7 सितंबर को सुबह नौ बजे से पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में चयन ट्रायल आयोजित करेगा इस संबंध में सभी जिलों विभागों क्लबों सेवाओं और गांवों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने खिलाड़ियों को बताई गई तिथि समय और स्थान पर चयन ट्रायल के लिए भेजे अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर नौ चार सात छः शून्य सात नौ एक नौ पाँच नौ चार तीन चार दो आठ छः छः तीन तीन और नौ चार तीन चार दो आठ एक सात नौ एक पर संपर्क करें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि द्वीप समूह के सात और शतरंज खिलाड़ियों एसीएम दर्शन टी सत्यमूर्ति पी आनंद राव बी ललित एसीएम तनिषा राज जी दिशा मीनाक्षी और के वेंकटेश विश्व शतरंज महासंघ द्वारा 31 अगस्त को प्रकाशित नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग सूची के अनुसार अपनी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज रेटिंग हासिल की है इन शतरंज खिलाड़ियों ने हाल ही में 14 से 18 अगस्त तक प्लेयर में आयोजित ए आई सी एफ फॉर एवरी वन द्वितीय अखिल भारतीय फेडरेटेड ओपन शतरंज टूर्नामेंट में भाग लिया और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना एम वी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे छह बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बारह बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए के लिए होगी। Varatang, स्वराज दीप की यात्रा पर कल सवेरे साढ़े छह बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे नौ बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे साढ़े छह बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर एम भी हटबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में ग्यारह बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर ढाई बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में साढ़े ग्यारह बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम साढ़े तीन बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए के लिए होगी एमवी बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद ढाई बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे साढ़े बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे और अब में मुख्य अंश एक बार फिर स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान बच्चों के कानूनी अधिकारों व जिम्मेदारियों पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन और महिला हेल्पलाइन योजना पर कार्यक्रम आयोजित इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है नमस्कार